नाम बनवारी चौधरी, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र। इधर आओ। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हो गया। आज दिनांक 8 को होली के उपलक्ष्य पर हमारे छात्र दो छात्र अंकित चौधरी और हरिओम चौधरी का नदी में डूबने से उनका देहांत हो गया। तो जब हमें सूचना मिली वारदात के 5 मिनट बाद, तो जब हम रूम से दौड़े उनको बचाने के लिए, तो पोखरियाल रेस्टोरेंट के सामने पेट्रोलिंग 112 नंबर वाले 3 कॉन्स्टेबलों ने हम पर लाठीचार्ज किया। हम 10 की तादाद में लोग थे, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, क्षेत्रवाद सूचक सदस्यों में संबोधित भी किया, लाते मारी गई हमें, और हमारे एक कार्यकर्ता को उन्होंने गाड़ी में डाल के कीर्तिनगर थाने ले गए, और उन पर दुर्व्यवहार का एक आरोप भी उन्होंने अभी FIR फाइल कर रखी उन्होंने। और वजह कुछ नहीं कि हम दौड़े थे, वो नशे में थे ना, और वो नशे में थे। नशे में कौन था? समस्त पुलिस जाब्ता जो नीचे थे वो भी नशे में। पुलिस चौकी, एक मिनट, राजेंद्र सिंह नेगी, टिक्कम सिंह चौहान और राजेंद्र सिंह रावत, ये तीनों ने हम पे लाठीचार्ज किया, तीनों नशे में थे। और बाकी जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो हमने वहां पाया कि जब हमने कॉल किया तो एक तो SDRF की टीम का लेट आना अराउंड 45 मिनट्स, और जब लेट आए तो वो उनके पास एक तो राफ्टिंग नहीं थी पहली चीज़, तो राफ्टिंग लाने में उनको 1 घंटा लगा, और समस्त SDRF की टीम ने शराब का सेवन कर रखा था ऑन ड्यूटी, और वारदात की घटना 1:30 बजे के आसपास की है, 1:30 बजे वो ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था। और जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, समस्त पुलिस वालों ने भी शराब का सेवन किया हुआ था उस टाइम पर। अब आप, मैं यही बोलना चाहूँगा। तो अभी यहाँ पे खड़े आप, तो क्या क्या है, क्या वजह है, क्या कुछ वो कर रहे हैं? सर ने हमें पंचनामे के लिए बुलवाया है, जो हम वहाँ खड़े थे सर ने हमारा नाम वगैरह लिखा, उन लोगों को बुलाया पंचनामे के लिए, तो बस वो संपन्न कर रहे हैं हम अभी। और मेन चीज़ ये है कि SDRF की टीम ने सीधा सीधा मना कर दिया, 200 हैं नदी में, एक को निकाल लिया गया, एक को निकालने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किस लिए कर दिया? वजह यह थी कि उनकी टीम में से किसी एक टीम वाले ने ज्यादा शराब का सेवन करके वहां नदी में उल्टी कर दी, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसकी जान बचाने के लिए इन्होंने सारा वो कार्यक्रम ही ठप कर दिया वहां कि हम सुबह देखेंगे। आपने बोला नहीं? बोला था, हमने रिक्वेस्ट अधिकारियों से, किसी से बात नहीं हुई, आला कमान से बात हुई थी हमारी टिक्कम सिंह जी चौहान से, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हमारी बात पे, और अभी भी वो उन्हीं के पक्ष में है कि हम सुबह 8 बजे आएंगे फिर बॉडी ढूंढेंगे। ठीक। क्या थी पूरी ये घटना? जो है 1:10 पे जो है हमें सूचना मिली थी थाना श्रीनगर से कि दो लड़के नदी में जो है डूबे हैं। इस सूचना पर जो है हमने SDRF को, जल पुलिस को बुलवाया था, मौके पे हम भी गए थे, और जो है 5:30 बजे तक जो है रेस्क्यू का काम चलाया गया। एक डेड बॉडी जो है मिल गई थी, एक जो है अभी नहीं मिली है, जिसका जो है सुबह 8 बजे से जो है 7-8 बजे सुबह जो है रेस्क्यू दोबारा जो है चलाया जाएगा। कुछ छात्र हैं, उनका आरोप है कि बीच में रेस्क्यू छोड़ दिया गया शराब का सेवन करने की वजह से, ऐसा कुछ मामला है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वहाँ पे जो है हमारे उच्च अधिकारी भी जो है मौजूद थे, हम खुद मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, गलत आरोप। ठीक। मैं आपको जिम्मेदार थोड़ी ना बता रहे हैं उस बात का। 3 पोखरियाल के ऊपर 3 कांस्टेबल बैठे थे, जैसे ही बच्चों को पता चला कि यहाँ पर बच्चे डूब रहे हैं तो वो अपने रूमों से भागे, परंतु क्या करा जो आपके कांस्टेबल थे तीनों, उन्होंने बहुत भयंकर लाठीचार्ज करी, उन पर उन्होंने दूसरे रास्ते से भाग के आना पड़ा। यहाँ पर गलती की उन्होंने बकायदा उन्हें बताया कैसा हो गया, और वो हंस रहे, उन्होंने शराब का सेवन कर रखा है, वहाँ पे लज्जे उड़ा रहे, बच्चों की चलान काट रहे, बाइकों पर उतार के मारपीट की बच्चों के साथ, उसी टाइम रोका गया बच्चों को। आप समय पर नहीं है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है और बच्चों को मारा गया। सुनो एक बात, अगर आपको कोई दूसरे भी बोल देता आप उसको सीधा अंदर डाल देते, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, छात्र यही जाते, ठीक है सर, बाकी।